हम आपसे कुछ देर में फिर से बात करेंगे, आपसे काका के अवार्ड्स के बारे में, काका को अलग अलग फेलिसिटेशन जो मिले हैं उसके बारे में आपसे डिटेल से जानना है, लेकिन पहले बच्चों से बात कर लें। चुनी काका के गोदों में पली बढ़ी मुदिता आज होम मेकर भी है और प्रोफेशनल भी है। हम मुदिता की आंखों से चुनी काका को देखना चाहेंगे। एक नन्ही सी लड़की इतने टॉल गांधीयन की गोद में कैसे रिलेट कर पाई? तुम्हें काका जिनको तुम दादा कहती हो, दादा पहले लगे या वो गांधीयन लीडर और सोशल वर्कर पहले लगे? तुम अपने अर्ली अनुभव याद करने की कोशिश करो। बचपन का याद करूं तो दादा ही, क्योंकि वो उस उम्र में तो उस गांधीयन है क्या विचार या क्या करते हैं इतना पता चलता था कि ये काफी कुछ आंदोलनों में जाते हैं और ये वो सब। लेकिन उससे पहले भी जो याद आता है वो तो दादा थे, वही याद आता है क्योंकि बिल्कुल, और वो जब दादा होते हैं तो बिल्कुल दादा, यानी बचपन में वो पानी के टब में भर के वो मुझे नहलाएंगे, साथ में भी नहाएंगे, और वो सब जो मतलब कोई दादाजी बच्चों के साथ करने या साथ साथ चलने जाना या सो रहे हैं तो गाना गाना या कहानी सुनाना, तो वो सब, तो वो मेमोरी में तो वो दादा ही थे। जैसे तुम बड़ी हो रही थी तो बहुत से लोग तुम्हारे घर आए होंगे, उनमें से कोई बड़े फेमस नाम भी होंगे, ऐसे कुछ नाम याद करो और तुम्हारे मन में उनको बारे में क्या विचार बना? याद करने पड़ेंगे, बहुत बहुत तरह तरह के। बचपन में तो इतना पता भी नहीं चलता था कि ये कोई बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा। जैसे तुम बड़ी हो रही थी तो दादा से मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे, उनमें से कुछ ऐसे लोगों के नाम बताओ जिनका तुमको प्रभाव पड़ा या जिनको मिलके तुम इम्प्रेस हुए या उनकी यादें तुम्हारे ध्यान में, ऐसे 2-3 लोग कोई हैं? प्रकाश भाई शाह, इलाबेन पाठक। बचपन में तो थोड़ा बहुत इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी, ऐसे ही देखती रहती थी, या माँ कभी कुछ, यानी वो पानी देने गई, ये वो करने गए आसपास, पहले तो सामने का घर भी नहीं था, तो बहुत बाद में, मैं जब 10th में आई उसके बाद सामने का घर मिला, तो यही 2 कमरे थे, तो दादा और दादा ज्यादातर यही बैठते थे, तो सब आके बैठते थे, तो आसपास खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो सुनते 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 बड़े हुए, तो बहुत सारे लोग प्रभाव पड़ा है क्या नहीं वो तो थोड़ा मुझे याद करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि इतने तरह तरह के लोग आए घर में दादा से मिलने और काम को लेके और ये वो, तो सभी से बहुत प्यार बहुत पाया है, बहुत ज्यादा, तो यानी तुम्हारी पढ़ाई भी बड़ी खराब हुई होगी, जब चाहे लोग देखो जब लोग आते हाँ रहते थे। वो रहता था, और तब तो एकदम बिल्कुल ही छोटा सा घर था, तो वो ऐसा होता था, तो वैसे वैसे हुआ, लेकिन पढ़े तो भी पढ़े, बहुत सारे घर, लोगों के घर छोटे होते हैं, लेकिन ये जो मिला कि इतने सारे लोगों से परिचय हुआ, इतने सब तरह तरह के लोग, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते थे या लॉयर्स भी होते थे या बिल्कुल ग्रास रूट एक्टिविस्ट भी होते थे या इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स भी होते थे, तो इतने तरह तरह के लोगों को मिलने का, सबकी बातें सुनने का वो बहुत ही मौका मिला, और सबसे क्योंकि छोटी थी तो प्यार बहुत मिला सभी लोगों सिर्फ प्यार मिला या सख्तियां भी मिली थोड़ी? का। नहीं महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो जितने महान थे दुनिया भर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो उतने दूर भी थे। तो क्या तुम्हारे साथ ऐसी कोई बात बनी? नहीं, ऐसा ऐसा याद करने पे कुछ याद नहीं तुम जब आता। कॉलेज में गई या अपर स्कूल में आई तब ये खरीदना वो जलाना है और दादा की तरफ से पाबंदी हो, या तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें तुम्हारी उमंग बढ़ती हुई उमंगें और दूसरी तरफ वैल्यूज, दादा की सादगी का जीवन, इसमें कहीं टकराव तुम्हें महसूस हुआ या बोझ पड़ा उसका? हम लोग को वैसे बचपन से कभी किसी भी चीज पे दादा की ओर से या माँ या बाबा की ओर से कभी कोई रोक टोक नहीं थी कि ये करना ये नहीं करना, ये चीज मिलेगी वो नहीं मिलेगी, और मेरा भी, मुझे कभी ऐसा नहीं याद कि मुझे हाँ ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, शायद मैं स्वभाव से ही ऐसी थी, तो इतने बच्चों को, कुछ कुछ बच्चों को बहुत एस्पिरेशन होते हैं, बड़े होते हैं तो बहुत होते हैं,
ऐसा कभी हुआ हो ऐसा याद नहीं है।